स्टोन में हमारी धरा बहुत अपसेट है एंड टू अ सर्टेन लिमिट ना जायज भी है. अब देखिए ना, वो हॉस्पिटल से ठीक ठाक होकर घर वापस लौट आई एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि डिस्चार्ज होते वक्त उसको वापस घर ले जाने के लिए कोई भी घर का मेंबर नहीं था. माना कि शहर में कर्फ्यू था, लोग नहीं निकल पाते, बट उसकी मानसिकता भी समझिए. एक तो आप बीमार, उसके बाद आप ऑपरेशन करा के वापस आ रहे हैं एंड यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ TLC यानी टेंडर लविंग केयर, और आप एकदम आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बन जाए तो थोड़ा तो सेंटियाना बनता है ना. समझ में नहीं आता है तुझे मराठी वाला, मैंने भूख नहीं है, मुझे नहीं जाऊंगी मैं. अस्पताल से ठीक होकर हिद्धरा और नताशा दोनों घर आ गए हैं. दोनों की तबीयत अब एकदम ठीक है, लेकिन ये क्या धरा क्यों खामोश है? क्यों वो किसी के पास नहीं जा रही है? क्यों उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है? चुपचाप से धरा बैठी है. ऋषिता उसे मना रही है कि चलो धरा भाभी खाना खा लो, लेकिन धरा बात सुन ही नहीं रही है. अब वो बहुत नाराज है. तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं? समझ में नहीं आता है तुझे मराठी वाला, मैंने भूख नहीं है, मुझे नहीं जाऊंगी मैं. वो मुझे खाने के लिए लेने आई हुई है क्योंकि इन सब ने कुछ सरप्राइज पार्टी प्लान की है धरा के लिए नीचे, कि उसका मूड ठीक किया जाए. तो अब मैंने तो बोल दिया मुझे भूख नहीं है. धरा ने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया. छुटकी को बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी भी दे दी. अब उसे लग रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ लेकिन उसे लेने के लिए अस्पताल में कोई भी नहीं आया. सो समवेयर और दी अदर एक चीज उसको पिंच कर गई है कि जिस परिवार के लिए वो खड़ी रही है, वो परिवार तो कभी उसके लिए खड़ा ही नहीं रहा. वो मरने पड़ी थी वहाँ पर, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पर मजाल के गोम्बी भी देखने आया हो कि उसकी बीवी कैसी है, या घर में से माँ कोई ऋषिता ना रावी ना शिवा देव कृष कोई नहीं आया देखने के लिए. तो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ रियली शैटर्ड हर. नाउ शी नोज दैट यू नो जिस परिवार के लिए मैं लड़ रही थी वो परिवार मेरे लिए तो कभी खड़ा ही नहीं रहा. अब धरा, जब आपका ऑपरेशन हो रहा था ना, उस वक्त पूरा परिवार आपके साथ वहीं पर था. और रही बात आपको अस्पताल से लाने की, तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था. हाँ, वो अलग बात है कि आप वहाँ से चलकर घर आ गई, पर एक्चुअली कर्फ्यू लगा हुआ था तो बहुत इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से लोग जा नहीं पाए, वरना धरा तो सबकी जान है तो सबको तो जाना ही था. अब धरा की नाराजगी आप सबने पहली बार देखी होगी ऐसी वाली. सब जब मना कर थक गए तब नताशा आई और उसने अपनी माँ धरा को मनाया. अब नताशा के लिए तो धरा ही उसकी माँ है ना. नन्ही सी नताशा की बात धरा टाल नहीं पाई. अब इस बार तो नताशा ने उसे मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों का क्या? क्या उन्हें भी माफ कर देगी धरा, या फिर अब धरा अपनी कहानी खुद लिखेगी? मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.